बनाया मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। तो इस वक्त बना रही हूँ इकरा बिरयानी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले फिर चलते हैं किचन में, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट नहीं है हमारी, इकरा ने प्याज वगैरह ब्राउन कर लिया और मसाला भी भून लिया और चिकन डाल दिया। चिकन माशाल्लाह से है, 1.5 किलो करीब है, 1.5 किलो के करीब चिकन है और माशाल्लाह आलू भी काटे हुए किलो से ज़्यादा। तो अभी आगे में ये माशाल्लाह आलू हैं, ये 1.5 किलो से ज़्यादा हैं और चिकन भी 1.5 किलो ये। तो फिर मिलती हूँ आपके से थोड़ी देर के बाद। दरअसल माशाल्लाह से ना इकरा भी आई हुई है और मेरा बेटा भी आया हुआ है और मेरा दूसरा बेटा जो सबरोज़ का छोटा भाई है शाजिब, वो भी आया हुआ है। मैंने इकरा से कहा कि हमारे कुछ बहुत खुशी की बात है तो आप लोग बनाए ना बिरयानी। चावल 1.5 किलो चिकन, 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन और आलू पक चुके हैं और दूसरी जाने में हमने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए चावलों के लिए। तो पानी बॉयल हो रहा है तो ये सलाद तैयार कर रहे हैं। अभी प्याज वगैरह काटेंगे वो भी रखेंगे। तो पानी बॉयल हो जाए तो चावल डाल देते हैं। पानी में बॉयल हो चुका है और चावल डाल रहे हैं। तो जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर डालेंगे फिर, और तैयार हो चुका है हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कोरमा हो चुका है हमारा तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरमा हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है, चावल भी बॉयल हो चुके हैं। हमने लगा दिया दम, तय लगा दिए, दो तय लगा दिए चावलों की और कोरमे की। तो अब इस पर लगा देंगे दम और इंशाल्लाह तैयार होने पे फिर आपसे मिलती हूँ। सलाद वगैरह भी बना लिया और रायता भी। चलो फिर लेमन पुदीना और ये हरी मिर्च वगैरह डाल रहे हैं, नीचे भी डाला है। तो चलो फिर तो बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार माशाल्लाह से। हम देख सकते हैं दम लग चुका है, दम छोड़ते हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं रायता भी तैयार हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि माशाल्लाह से बिरयानी इकरा ने तैयार कर ली और हम सब ने माशाल्लाह से मिलकर खाना भी खा लिया। आप बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी। माशाल्लाह इकरा बनाती रहती, कभी पुलाव बनाती कभी बिरयानी बनाती, लेकिन ना वो ज़ाहिर आपको तो सामने नहीं आती। तो आज मैंने उसको कहा चलो अब मैं आप तो सामने नहीं आ रही, मैं वीडियो बना लेती हूँ आपकी, तो इसलिए फिर मैंने अपना ब्लॉग बना लिया। तो दरअसल इकरा भी आई हुई थी, परसों इकरा आई थी और कल मेरा बेटा शाजिब और मेरा बेटा दोनों, दूसरा बेटा जो मेरा अल्लाह पाक सलामत रखे, दोनों आए हुए थे। तो इसलिए इस खुशी में मैंने कहा भाई आज अच्छा सा खाना बनाओ ना कोई। अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह रोज़ाना अच्छा बनता है हर चीज़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दाल सब्ज़ी गोश्त मुर्गी हर चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, शुक्र है मेरे मालिक का। चटनी भी खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छी सी बिरयानी बनाओ, तो फिर सलाद रायते वगैरह सब भी बनाए इकरा ने जैसा कि आपने देखा। तो फिर सब ने माशाल्लाह खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, मुझे तो आपको पता है फंटा पसंद है, मेरे बच्चों को जो उनको पसंद है पेप्सी तो उन्होंने मंगा लिया। तो फिर माशाल्लाह सब ने खाना वाना खा लिया। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में किसी नए रूटीन के साथ, उस हद तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। तो अपना अपने पैरों पर रखें ख्याल। तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखें आप लोगों को। आमीन सुमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय।